तो यार बहुत बहुत वेलकम तुम्हारा इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड में भाई। मतलब यार भाई आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम है सागर चौधरी। सागर भाई मुझे ना पता लग चुका है इस गाड़ी का मैटर क्या है। मैं सोच रहा हूँ अपनी ऑडियंस के बारे में कि यार ऑडियंस मेरी कितनी बेचारी है, उनको पता नहीं उनके सामने क्या मैटर अभी क्या बोलते रिवील होने वाला है। क्योंकि मेरे भाई मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी अपने सुमित लोमोल भाई आपके दोस्त भी हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त, मैंने प्रॉपर टाइटल दिया था ऑफ रोड जी वैगन करके, ऑफ रोड जी बढ़िया टाइटल दिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। उसका मुझे आपकी गाड़ी दिखी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस वाली गाड़ी में कुछ अलग टाइटल दे सकता था। नहीं बिल्कुल दे सकते थे क्योंकि ऑफ रोड प्रॉपर ये है अपनी, ऑफ रोड है। और मैं दिखाऊंगा इसमें ऑफ रोडिंग के साथ साथ बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, मुझे ना अपनी ऑडियंस पे अभी यार तुम मेरी ऑडियंस हो, मुझे तुमसे प्यार है, पर मुझे तुम्हारे यहाँ थोड़ा तरस आ रहा है। क्योंकि यार पहले तो मुझे अपने लिए भी तरस आया कि भाई यार मैं कहाँ था जीवन में कि मैंने यार इस टाइप की मॉडिफिकेशन देखी नहीं। लिटरली टॉप नॉच, बेड से लेकर किचन से लेकर सब कुछ है इस गाड़ी में, ठीक है, प्रॉपर ऑफ रोड मैटर है। आओ जरा रिवील करते हैं कि भाई किस बारे में बात कर रहे हैं। सागर भाई पहले तो आप मुझे ये बता दो कि ये गाड़ी जो पूरी मॉडिफाई हुई है ये किसने करी है? भाई पूरी गाड़ी मैंने और मेरे फादर ने मिलके की है। अच्छा। और इसमें मतलब मेरा भी सपोर्ट है और मेरे फादर का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। आपके फादर मैं बताना चाहूंगा कि यार वो एम्स में एज अ डॉक्टर है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, डॉक्टर इंसान गाड़ी मॉडिफाई कर रहे हैं, तो भाई अपने पापा का जरा बताओ क्या मैटर है? उनका स्टार्टिंग से पैशन था, हमारा पहले ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था बहुत पहले का भी। अच्छा। तो उसके बाद उनका इतना पैशन था, उन्होंने मॉरिस जैसी गाड़ियां भी रखी हुई है अपने टाइम पे। ओके। और आज से 30 से 35 साल पहले उन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग की है बुलेट की भी। अच्छा। बनाई है खुद बुलेट घर में बैठ के, घर में बैठे खुद बनाई है, बनाई है और एक से एक गाड़ी उन्होंने रखी है अपने शौक के लिए। मॉरिस हो गई, कॉन्टेसा हो गई, ऐसी ऐसी गाड़ियां उन्होंने काफी गाड़ियां रखी है, बहुत सारी गाड़ियां। सलाम है आपके पापा को यार, मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में मेरी ऑडियंस भी सलाम करने वाली है। भाई मैं बोलता हूँ अब जरा चालू करते हैं, आप बताना चालू कर दो इस गाड़ी में क्या क्या लगा है। भाई गाड़ी में आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से स्टार्टिंग से। सबसे मेन अंदर शुरुआत करते हैं आज, ठीक है। तुम देख लो ये कुछ गाड़ी का अपना इंटीरियर है और ऐसी ऐसी चीजें लगी है ना इसमें, तुम्हें दिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये देख रहे हो ये कितने सारे यहाँ पे ये तो बटन से लगे हैं, वायरिंग्स देखो, पीछे देखो प्रॉपर सोफा है, इधर सीट्स है, पीछे सोफा है और पीछे प्रॉपर किचन है। मैं बोलता हूँ भाई शुरुआत पीछे से करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाते लोगों को। आज ना वेट नहीं कराएंगे, आज तुम लोगों को सीधा धमाके करेंगे भाई। मैं खोलो भाई, ये देखो, ये देखो भाई ये कुछ इंटीरियर है अपनी बुलेरो का। भाई कौन बोलेगा ये बुलेरो है भाई, जरा आप अपने स्टाइल में जरा चालू कर दो बताना। मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले तो मैं दिखा रहे हैं ये है किचन के लिए हमने रखा है, जो बेसिकली हम ट्रेवल करेंगे तो इसमें इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखो भाई इसके अंदर सारा किचन वाला सामान है। मैं बोल रहा हूँ मैंने आज तक कभी कोई बुलेरो ऐसी देखी नहीं है यार। भाई बनाना जरूरी है क्योंकि गाड़ी उस लायक है, समझ रहे हो। ये देखो खोलते ही यहाँ पे किचन का सारा सामान है। मतलब भाई आपने आधा अधूरा काम नहीं करवाया, लोग क्या करते हैं कि भाई ये किचन अपना, इसमें सामान नहीं, सामान घर पे, पर आपने सामान रखा हुआ है अंदर, सामान अंदर है, ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे ट्रैवल करने तब। हाँ। अभी हम परमानेंट रखेंगे, हम कभी भी निकल सकते हैं वही, और कहीं भी रह सकते हैं। ये तो है, ये देखो कॉफी बग्स यहाँ पे, मतलब अपनी जो ग्लास होती है कैफे कॉफी डे के, मतलब उस टाइप के ये छन्नी वगैरह हो गई, यहाँ पे चाय रखी हुई है ताजमहल की, चीनी, चाट मसाला, कॉफीज। और ये देखो भाई, ये देखो ये सारे नाइफ कटलरी वगैरह बोल सकते हैं, सब चीज है इसके अंदर, सब चीज। क्या बात है भाई, और कोई ज्यादा बोल जाए तो ये भी है। बाकी है आपका स्पून वगैरह सब डिस्पोजेबल, ये सब रखे हुए हैं। खुशी मिल रही है गाड़ी देख के भाई, और दिखाओ यार क्योंकि मैंने हल्का हल्का देख लिया, मुझे अंदाजा है कि तुम्हें क्या दिखने वाला है। सिस्टम भी हमने इस तरीके से रखा है कि कितनी भी ऑफरोडिंग कर लो ये कुछ भी इधर गिर नहीं सकता। ओके, ऐसे मतलब मजबूत लॉकिंग सिस्टम है पूरा, कंप्लीट लॉकिंग सिस्टम है ये, पूरा काफी सही है, लॉक है, ये हो गया लॉक। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। और दिखाते हैं भाई, ये है आपका पोर्टेबल गैस, ठीक है, ये जानता हूँ मैं, पोर्टेबल गैस हो गया। हाँ। ये शौकीन लोगों के लिए हुक्का लगा हुआ है, हम लोग मतलब पीते नहीं है, एब्सोल्यूट रोड का है शायद ये, पहली बार उसी का बना हुआ है। हाँ। और ये देसी हुक्का है, देसी हुक्का छोटा सा, कोई स्मोक करना चाहे तो, मतलब कहते ना उपलब्ध रख के ऐसे बन के पीना चाहे। ये आपने कभी ट्राई किया है देसी हुक्का छोटा वाला? इसमें ट्राई किया है बट हम पीते नहीं है, रखा हुआ है किसी के लिए भाई, किसी को पसंद आ जाए कुछ उसके लिए, ठीक है। ये हमारी पोर्टेबल टेबल है, ठीक है। बाकी हम अभी आपको दिखाते हैं, ये हमारे इधर से बैक साइड से मतलब देख सकते हो पूरा इसके अंदर। तो ये क्या है भाई? ये हमने रखे हुए हैं यहाँ पर, मतलब इसके लिए जैसे कहीं भी ट्रैवल करेंगे उसके लिए कपड़े रखे हुए हैं, कुछ सामान वामान रखने के लिए ये डिस्पोजेबल है, सामान लोड करके जितना भी मतलब डस्टबिन कहीं जाएंगे हम
माउंटेन्स में वहाँ फेंके, ये है कि कूड़ा वूडा बाहर फेंक दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है, हम इसके अंदर कैरी करेंगे और कहीं पे डस्टबिन में ही डालेंगे। ओके ओके, तो ये मतलब पूरा जाला वैसा है कि इसमें डस्टबिन वाला सारा कूड़ा वूडा आ जाएगा, सूखा कूड़ा, इको, हाँ सूखा कूड़ा, इको फ्रेंडली, मतलब पहाड़ों में जाएंगे घूमने कहीं भी जाएंगे तो बाहर मत ना फेंको तो बेटर है। ये मैसेज भी देना चाहिए आपको, सही है। और इसके अंदर अगर देखे तो कुछ सीक्रेट पॉकेट लग रही है। नहीं नहीं, सीक्रेट पॉकेट्स नहीं है, ये स्टोरेज है पूरा कम्प्लीटली। आओ भाई, अब मैं तुम्हें जरा आगे से दिखाता हूँ इसका लुक, ठीक है? तुम देख लो प्रॉपर यहाँ पे सोफा कम बेड भाई ने लगा रखा है सिस्टम, ठीक है? न्यूज़पेपर भी है पढ़ने के लिए, यार क्या बात है। और तुम देखो वायरिंग का कितना ज्यादा काम किया है, देख लो प्रॉपर वायरिंग है यहाँ पे, स्विच वगैरह है। और ये देख लो सारे यहाँ पे ड्रॉज है छोटे छोटे, और तेरी ग्लास भी रखा हुआ है आपने, ये ग्लास रखे हुए लाइट्स के हमने ऑन किए हुए, ये रहा ये लग गया यहाँ पर, ये हमारे मतलब हमारे पोर्टेबल डोर्स है सामान रखने के लिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, देखो सामान रखा हुआ है सारा काफी, अच्छा, मतलब कुछ भी वायरिंग वगैरह है, चार्जिंग है, पोर्टेबल कुछ भी, मतलब बहुत सारा सामान है, मतलब हमें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, हम कहीं घूमने गए हैं। और ये लगा हुआ हमारा बोट का म्यूजिक सिस्टम, अच्छा ये हमने इसलिए लगाया है कि साउंड अच्छा साउंड आने के लिए, एक पूरा म्यूजिक सिस्टम ही हमने, ये तो जो होम थिएटर में आता है बाहर वही वही हमने लगाया है इसको। आपने मतलब सबवूफर वगैरह कुछ काम नहीं करवाया? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये लगाया, उसके अंदर दो सिस्टम है, ये चलता है हमारा ब्लूटूथ से सिर्फ, अच्छा ओनली ब्लूटूथ से, और दूसरा सिस्टम हमारा वो ब्लूटूथ से फोन से भी कनेक्ट हो जाता है, बट इसके लिए कि अच्छा साउंड चाहिए तो हम इसको ऑन कर लेते हैं और इससे कनेक्टेड डायरेक्ट ब्लूटूथ, जैसे घर में होम थिएटर होता है। हाँ, हाँ। तो साउंड बार हमने ये पूरा फिट किया है इसके अंदर। ओके, और इसको फिट करना भी थोड़ा ट्रिकी होता होगा, एकदम खुद किया है ये पापा ने, खुद ही किया है। और ये जितना भी ये सब ये ड्रॉअर्स सब चीज, ये सब चीज खड़े होकर खुद ने बनवाई है हमने घर में, मतलब पूरा बनवाया कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करके, पूरा साइज देके, ये लाइटिंग वगैरह सब चीज हम खुद लेके आए हैं, खुद ने लगाई है। ओके, हर चीज हमने खुद ने की है इसके अंदर, जितने भी ये सिस्टम लगे ना, लाइट्स लगी हुई है, सब चीज, सब चीज है। और ये ग्लासेस टके हुए, वही यार ग्लासेस देखो, और यहाँ पे ये फ्रिज भी है छोटा सा, देख रहे हो ये फ्रिज है यहाँ पर, यहाँ दिखा तुम आप, ये फ्रिज लगा हुआ है, ये ना ये इसमें हमेशा ही ऑन रहता है। अच्छा, ये इसके अंदर ये सामान लगा हुआ है, पानी की बॉटल्स हो गई या ड्रिंक्स वगैरह जो कर रहे हैं उसके लिए। अच्छा अच्छा, तो ये दारू वारू भी इसमें रहती है 24 घंटे एकदम, हमेशा ही रहती है, पीता कोई नहीं है, बट ये है कि रखी रहनी चाहिए। हाँ। हम कब घूमने निकल जाए और चीज होनी चाहिए, जब बनाइए चीज तो उसके अंदर कुछ सामान भी होना चाहिए, खाली तो सब लेके घूम सकते हैं, भर के घूमो ना पूरी गाड़ी के अंदर, अपलोड करके तो उसमें अलग ही मजा है। ये बात आप सही बोल रहे हो, सच में सीरियसली, हम घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, हर चीज। मौके भाई कुछ नहीं मिलता, मैंने देखा है एंड मोमेंट में, समटाइम्स क्या होता है, भूल जाता है कि यार वो तो घर रह गया। हाँ। ये घर रह गया, तो हर चीज इसके अंदर है, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ये वायरिंग ये जो बना हुआ ना। हाँ। ये दिखाओ, एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, ये देखो ये है कर्टन्स। हाँ। इसके अंदर ये कर्टन्स लग गए, अब इसका ये तो है कि कर्टन्स है, जेट ब्लैक है। हाँ। मिसयूज नहीं है, बट ये कि ट्रेवल कर रहे हैं, समटाइम क्या होता है कि धूप आ जाती है, कुछ आते तो ठंडा रहता है अंदर, फिर ठंडा रहता है, और एसी चला के हम रेस्ट भी कर सकते हैं, कैसी भी जगह जाते हैं, या कुक कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं कपड़ा, क्योंकि कपड़े चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए मतलब ये यूजफुल है। देखो भाई, जितने भी अपने अध्यक्ष वगैरह है जिनका बुलेरो, और अक्सर बुलेरो होती है ये जो पॉलिटिक्स में होते हैं लोग, तो वो लोग भी कर्टन्स लगाते हैं, वो लोग भी कर्टन्स लगाते हैं, बट हमारा पर्पस अलग है, वो अध्यक्ष लोग है, हम अध्यक्ष लोग नहीं है, हम ट्रेवलर है, हम घूमने का शौक रखते हैं। हाँ, तो इस वजह से हमने ये लगाया। तो भाई मैं बोलता हूँ, अब जरा इस सोफा कम बेड को ना बेड बना लेते हैं, बेड बना के दिखाता हूँ। हाँ, ये करते हैं सीन। चलो भाई, तो तुम देख लो यार, यहाँ पे भाई ने इसको पूरा बेड बना दिया, देख लो। और भाई ये ऐसा मैटर है कि बंदा आराम से अपने पैर सही कर सकता है ना, टांगे फैला दी, रिलैक्स, दो बंदे आराम से लेट सकते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास मतलब एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ पर पॉकेट की तरह मतलब यूज कर सकते हैं कॉर्नर पे लगाने के लिए। अच्छा, हमारा लग गया है, कंप्लीट बेड है, कुछ खाना पीना हो, कुछ भी हो, सब चीज मतलब इजीली, मतलब रेस्ट भी कर सकता है बंदा, चिलैक्स बोलते हैं ना जो हैशटैग चिलैक्स। और ये भी है, हमने इसे ट्रैवल किया था हिमाचल के अंदर, चितकुल के अंदर, चितकुल ऊपर है, तो काफी ऊपर है, मतलब उसका तो मतलब वहाँ तो स्नोफॉल हो गया था, अभी आज से 3 महीने पहले स्नोफॉल हो गया था। अच्छा जी, जब यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर, मतलब काफी ज्यादा ऊपर है भाई, तो हम दो लोग इसमें सोते हुए गए थे और दो लोग ड्राइव कर रहे थे, हम चार लोग गए थे, मैं, मेरे फादर और मेरे दो भाई। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ट्रैवलिंग के लिए इससे बेहतरीन गाड़ी हो ही नहीं सकती। और इसकी आपने देखी होगी चारों तरफ से कि ट्रैवलिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, और अंदर लग्जरी फील है ना, ये तो लग्जरी फील भी, और बाहर लाइटिंग्स भी बहुत सारी तुम्हें दिखाएंगे, ऑफ रोडिंग वाले टायर भी हैं। अपना जरा यार मैं तुम्हें एक बार अंदर बैठ के दिखाता हूँ कि कैसा क्या फील है, ठीक है? आओ, पहले तो भाई इतनी बेहतरीन चीज की इज्जत करके हम थोड़ा चप्पल उतार के बैठेंगे, है ना, जरूरी है यार ये। अरे ओए, मतलब मेरा क्या है भाई, मेरी हाइट ना बहुत ज्यादा है, 6 फीट से भी ऊपर, मुझे लग रहा है भाई आप बैठो एक बार, एक बार भाई को बिठा के दिखाते हैं तुम्हें, क्योंकि देखो हम भी ऑलमोस्ट भाई यही है। हाँ, ये देखो इसमें ऐसा है कि अगर सीट पीछे भी हो गई ना, तो आप आराम से ऐसे बोलते, मतलब आराम से, मतलब पीछे आराम से रेस्ट कर सकते हैं,
और ट्रैवल कर रहे हो तो पीछे आराम से पिलो वगैरह लगा के कुछ भी, और डिनर वगैरह कुछ भी करो, एंजॉय करो, और सम टाइम कोई लोग ड्रिंक कर रहे हैं कुछ भी करो, तो उस चीज के लिए भी और मुझे पता क्या लग रहा है, यहाँ पे बढ़िया भाई बीच में स्पेस है कि हुक्का भी आ जाएगा, हुक्का भी गुड़ 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 चलता रहेगा बढ़िया एकदम, देखे होगा गाड़ी में रखा ही हुआ है। हाँ यार मतलब भाई कंफर्ट के ना इस गाड़ी को पूरे 100 नंबर है यार, मतलब 100 में से 100 क्या कंफर्ट है इस गाड़ी में। और एक बार मैं तुम्हें अंदर से दिखा देता हूँ भाई, ये क्या है भाई, ये है अम्ब्रेला। अच्छा ये इतनी बड़ी अम्ब्रेला रखी है, मतलब ये वही अपना यूज के लिए, और ये है हमारा टॉर्च। इसका भी देखो टॉर्च के लिए भी स्टैंड है, कि ये नहीं है कि मिल नहीं रही है, एंड मोमेंट में कुछ नहीं मिल रहा है, ये इधर ही है तो इधर रहेगी, हमें ओपन करनी है और यूज कर सकते हैं इसको। तो भाई ये सब कुछ आपके पापा ने डिजाइन किया है? सब मेरे फादर ने किया है, और जितनी भी टैलेंटेड आपके पापा फिर, और जितनी भी अंदर इसके अंदर वायरिंग है कुछ भी है, तो ये कन्वर्टर से चल रहा है, जैसे फ्रिज चल रहा है, लाइट है, बोट का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ, सारा ये सारा कंप्लीट मेरे फादर ने किया है, और इसके अंदर जो वायरिंग है वो कन्वर्टर से चल रही है, कन्वर्टर 12 वोल्ट से लेके कन्वर्ट करा है उसको। okay. जो कन्वर्टर आते हैं कार के अंदर लोग यूज करते हैं लैपटॉप के लिए वगैरह के लिए, अच्छा, अच्छा। इसमें 2 या 3 कन्वर्टर लगा, 3 कन्वर्टर लगाए हुए हमने कन्वर्ट करने के लिए लगाए हुए। वो दिखा दिया। अच्छा हाँ, तो ये चिप आपको मैं दिखाई रहा हूँ, बाकी तो आप फ्रंट से देख ही सकते हो, ये देख लो भाई स्विचेस दिखाया था आपको सेटिंग में, ये हमारा बैटरी वोल्टेज का है। ओके इस टाइम 100% बैटरी है। हाँ हाँ। और ये हमारा वॉच लगी हुई है, अरे वाह यार। नॉर्मल ये मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि मर्सिडीज में इनबिल्ट आती है। हाँ हाँ। तो हमने भी किया, सबको टाइम दिखते रहना चाहिए कितना टाइम है भाई। एक बार तो ना आप इसका प्रेशर हॉर्न भी दिखाना, क्योंकि वो ऐसा है कि यार बंदों की ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ मैं प्रेशर हॉर्न में, मतलब और प्रेशर हॉर्न में एक हॉर्न नहीं है इसके अंदर, इतने सारे हॉर्न है, कम से कम 30 से 40 हॉर्न है इसके अंदर प्रेशर के अंदर ही, और कभी देखा भी नहीं होगा आपने किसी ने ऐसे बलेरो में इंटीरियर में इस तरीके से बनाया हुआ है। भाई ये बताओ आप क्या सेल्स वगैरह में हो क्या? नहीं नहीं मैं सेल्स में नहीं हूँ। हाँ हाँ। बट ये है कि मैं ऑफिशियली तो मैं वर्किंग हूँ मर्सिडीज के अंदर। ओके तभी यार मतलब आप जिस तरीके से बात कर रहे हो ना मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी है कि मर्सिडीज में क्या हुआ एज अ मैं सोर्सिंग मैनेजर हूँ। सोर्सिंग मैनेजर हूँ, मेरा परचेस डिपार्टमेंट है। अच्छा हाँ, तो मैं मर्सिडीज के अंदर हूँ, तो उनको सेल वगैरह भी मतलब सेल वगैरह मतलब कम्प्लीटली, इसलिए मेरे ऐसा क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस कम से 7 to 8 इयर्स का कंप्लीट है, और मर्सिडीज के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। पहले इससे पहले मैं मारुति में था, बट मुझे पता है इसी नॉलेज है, सबसे बड़ी बात है कि मेरा ना मतलब कहना है इंटरेस्ट है इस लाइन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अच्छा तभी हमने कार इस तरीके से बनाई हुई है, और मेरे को शौक भी है, और आने वाले टाइम में कुछ सरप्राइज भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हाँ। भाई के साथ देने वाले हैं, दूसरी कार के साथ। हाँ। जल्दी देंगे कोई बहुत बढ़िया कार के साथ, फिर देखते हैं कि एंजॉय करेंगे, लेट्स सी। हाँ। आगे क्या होता है। थैंक यू भाई। देखो वैसे भी ना मैं वीडियोस काफी बड़ी बनाता हूँ मिहिर गर्ल चैनल पे, ठीक है, लेकिन ये वाली वीडियो भी काफी बड़ी होगी, तो भाई मैं बोलना चाहूंगा तुम लोग ना आराम से खाना वाना लेके बैठ, क्यों नहीं बैठ गए, अपना खाना वाना लेके बैठ जाओ और वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि हर मोड़ पे हर सेकंड मिनट में ना आपको कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा इस गाड़ी में, ठीक है। तो बने रहो, अभी बहुत कुछ तो हमने दिखाया नहीं। भाई आओ बाहर निकलते हैं, आओ भाई अब हम तुम्हें जरा बाहर का भी सीन दिखाते हैं। पहले तो यार इस गाड़ी को तुम देख लो कितना ऊंचा कर रखा है यार भाई, इसमें सस्पेंशन का भी काम करा रखा होगा? नहीं नहीं भाई सस्पेंशन का काम नहीं है इसके अंदर ना, हमने फ्रंट में शॉकर में हमने उसमें गुटके ऐड करवाए हैं, और पीछे जो इसमें कमानी होता है सबको पता है। हाँ। जो कमानी होती है हमारे कमानी में पट्टे बढ़वाए हैं। अच्छा। और पट्टे बढ़ाने का रीजन यही था कि जो टायर ऑफरोडिंग वाले ना वो टच कर रहे थे, मैंने ट्रैवल किया था उसमें बहुत दिक्कतें आई थी। हाँ हाँ। तो उसके बाद हमने इसमें कमानी एक्स्ट्रा बढ़वाई है, जिससे हाइट हमारी बढ़ गई है थोड़ी। सस्पेंशन का कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने बढ़वाया हो, ये है कि 5 से 6 इंच हमने ऊंचा करवा दिया है गाड़ी। अच्छा। 5 से 6 इंच बढ़ चुकी है, बाकी आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ कैसे कैसे। हाँ जी हाँ जी आओ एक बार ना जरा मैं बोलता हूँ भाई आगे का भी दिखा देते हैं, अंदर की अगर कर ही रहे हैं ना। हाँ जी एक बार जरा आगे का भी दिखा देते हैं आगे का, क्योंकि ये जो प्रेशर हॉर्न्स वगैरह वाला मैटर है। हाँ। जरा वो आप दिखा दो। मैं दिखाता हूं। बेसिकली तो हमने सामने से ही फ्रंट में रखा हुआ है, नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा ये है कि दो बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, एक बंदा ट्रैवल कर रहा था, इससे कनेक्ट करके अपना म्यूजिक सुन सकता है। इसमें 2 स्पीकर आगे लगे हुए 5 इंच के। ओके 2 सीट के नीचे लगाए हुए हैं स्पीकर। अच्छा हाँ 2 स्पीकर सिस्टम नीचे लगाए हुए हैं, बाकी फ्रंट से आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ। ये हमारा ये स्विचेस है सारे। ओके। ये हमारे सारे स्विचेस लगे हुए हैं लाइट्स के लिए। अच्छा जो बाहर ऑफ रोडिंग के लिए मतलब लाइट्स है ना जो ऑन करते हैं ऑफ रोडिंग के पर्पज से। अच्छा बेसिकली नॉर्मल तो हम लाइट नहीं चलाते हैं, और गलत भी चलाना क्योंकि सामने वाले को दिखता नहीं है, इतनी लाइट है। हाँ सर बहुत ज्यादा है। गाड़ी पे कम से कम 24 लाइटें लगी है। 24 लाइटें आउटसाइड लगी है, सिर्फ ओनली आउटसाइड। अच्छा और अंदर का गिने तो? अंदर गिने तो मतलब टोटल 50 से ऊपर लाइटें 50 से ऊपर टोटल लाइट है गाड़ी के अंदर। मतलब मुझे जंगल में तो कोई दिक्कत होती नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती, इतनी लाइटें लगा दी है कि गाड़ी के अंदर ऑफ रोडर के लिए एक हॉर्न जो होता है मेन रोड के लिए, और एक लाइटिंग
का कभी इशू नहीं आना चाहिए, कभी भी इशू नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे आप लाइट्स को जरा इसे पुश करके दिखाओ कि हाँ ये स्विचेस है, और फिर धीरे में आगे जाके दिखा दो कौन सी लाइट जल रही है, कौन सी वन बाई वन। हाँ वन बाई वन, एक सेकंड। जैसे ये आपने किया, हाँ जी, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? वैसे हमारे सेकंड स्टेप है, ओके, वन बाई वन दिखानी पड़ेगी ना, सारे जलेंगे। कवर हटा दे, कवर तो भाई जलाओ, आप अंदर से जलाओ एक बार। हाँ तो ये देख लो, जैसे भाई ने यहाँ पे हेला की लाइट्स लगवा रखी है। भाई हेला की लाइट्स तो मैंने सुना है काफी टॉप मोस्ट है एकदम। ये हेलोजन्स लगवाई है, ये सिर्फ बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए, जब हम फॉगी एरिया होगा ना, जैसे फॉग पड़ रही है हिमालयस वगैरह में, कहीं भी जा रहे हैं हम, तो वहाँ पर उसको जाने के लिए तो यही वाली लाइट काम आएगी, ब्लू लाइट काम नहीं आती है, एलईडी काम नहीं आती। भाई ये कंपनी हेला है, टॉप मोस्ट कंपनी, मैंने सुना है लाइट्स में। तो बेसिकली देख रहे हो, फोकस करा हुआ है, दो लाइटें पहले ही फ्रंट पे लगाई हुई हमने, तो इसी चीज पे लगाई हुई है। ये ओपन हो गया दोनों, ठीक है। तो भाई आप अंदर से ना धीरे धीरे चालू करो, मैं देखता हूँ बाहर से क्या क्या जलने वाला है, ठीक है। और सबसे मेन तो यार जो ये ऊपर लाइट्स है ना, इससे भाई जो तिरंगा है अपना, ये भी चमक सा रहा है यार। ये रिफ्लेक्टर से बनवाया हमने, अच्छा, डे टाइम के अंदर, नाइट में अंदर ये बंद भी होगा ना, कोई सामने से लाइट लगेगी, हाँ हाँ, तो ये हमारा यहाँ दिखेगा, दूर से ही दिखेगा। हाँ वही तो यार, ये वीडियो भी काफी ज्यादा विजिबल आ रहा है, फ्लैग तो भाई देश की शान है, ये तो है भाई। चलो भाई अब धीरे धीरे चालू करने वाला, तुम देखना कितनी लाइट्स है इसमें, जरा चेक मारना, ठीक है। और मुझे पता यार तुम्हारी वीडियो भी ना आके चुंदिया जाएंगी, समझ रहे हो ना, चुंदिया जाएंगी, प्रॉपर देसी वर्ड। चलो जैसे भाई ने वहाँ से, तुम देख लो ऑन किया, तो यहाँ से ये देखो भाई, पहले अपनी ये नीचे वाली ऑन हुई, ठीक है, और ये ऊपर वाली कितनी ब्राइट हो गई भाई, ये तो वीडियो में पता भी नहीं लगने वाला यार। ओ तेरी, साइड से लेते हैं, ये देखो ये ऑन हुई, तो मतलब बाहर ये कुछ इतनी लाइट्स है ना, ये लाइट्स है फ्रंट की, साइड में भी देख रहे हो, फ्रंट में भी लाइट है, साइड में भी है, और ये साइड में है, और ये साइड लाइट का भी मैं एक मतलब बता देता हूँ कि हम कैंपिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि टॉर्च जला लो या साइड में कुछ जाके 12 वोल्ट से कनेक्टिविटी कर लो, इन बिल्ट है परमानेंट। अच्छा। लेफ्ट में लगाओ, राइट में लगाओ, दोनों तरफ लाइट लगा दी परमानेंट, कहीं भी दोनों लगा सकते हो, कहीं भी चलती फिरती वो होती है ना, उड़न तश्तरी, उड़न खटोला टाइप लग रही है मुझे यार, फुल लाइटिंग जैसा लग रहा है, जादू की स्पेसशिप नीचे आ गई है, बस सामान भाई ने गाड़ी में फिट कर दिया है। लाइट देख लो अंदर, इंटीरियर की लाइट भी देखो, हाँ, और बाहर हमने एलईडी रखा है, तो अंदर हमने येलो रखा है, हाँ जी, क्योंकि बिकॉज अंदर जब बैठे हैं ना, तो फील आनी चाहिए अपने एकदम लग्जरी, व्हाइट के अंदर फील नहीं आएगी, हल्का सा येलो होना चाहिए, तो इसलिए इंटीरियर येलो का रखा हुआ है, बाहर व्हाइट रखा हुआ है। अंदर से तो भाई येलो जो आपने, क्योंकि मुझे लग रहा है नॉर्मल हैलोजन से भी थोड़ा अलग है, नॉर्मल हैलोजन से अलग है, नॉर्मल जैसे घर में लाइट्स होती है ना येलो, वो वाली है, वो वाली लाइट है, ओके, जो लग्जरी भी आ जाता है, वो थोड़ा सा थोड़ा लग्जरी आता है ना, अंदर बैठते फील आती है, कुछ खा पी रहे हैं बैठे हैं, हाँ, तो उसके अंदर फील तभी आने वाली है, ओके। और सबसे मेन तुम देख लो भाई ना, यहाँ पे ये जो क्या खींचने के लिए होता है, टो करने के लिए विंच होती है, क्या बोलते हैं, ये टो करने विंच होती है, विंच, विंच, हाँ, ओके, विंच बोलते हैं इसे, और ये तो बहुत जरूरी है भाई ऑफ रोड व्हीकल, गाड़ी हमारी फंस जाए ये भी हो सकता है समटाइम, तो ये है कि टो करने के लिए, किसी और की फंस जाए उसकी हेल्प करने के लिए। भाई वैसे स्लाइड से क्या लग्जरी आप पे एकदम वो आ रहा है ना, अच्छा आ रहा है एकदम, अच्छी लाइट है यार ये। और अगर हम ध्यान दें भाई, तो इसके बारे में बताओ जरा, मैं ये बताता हूँ इसके लिए, अब गाड़ी की हाइट तो आपने देखी होगी, हाँ, हाइट तो बहुत अच्छी खासी है, हाँ, और नॉर्मल जैक तो काम करेगा नहीं, वो तो उसकी हाइट ही इतनी होती है, एक फुट की, हाँ, सवा फुट की, ये जो है कि कहीं फंस भी जाएगी गाड़ी उसके लिए भी है, हाँ, और टायर पंचर होगा तो यही वाला विंच, इस विंच में काम कर सकता है। अच्छा। ये इसीलिए ही हमने लगाया हुआ है पूरा कंपनी, ओके, और ये यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, बट हम मूव करेंगे ऐसे, खोलेंगे दोनों इधर से, हाँ, और यूज करके फिर इधर ही लगाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी चीज कहाँ लगा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो इसलिए होल्ड करने के लिए परमानेंट बना दिया, और कोई चोरी भी नहीं कर सकता, नीचे लॉक भी लगवा के सिस्टम बनाया हुआ है। और भाई सबसे पहले तो देख लो, गाड़ी का नाम है एडवेंचर विद कारोबार, भाई एडवेंचर कारोबार, कार तो आप ही देख ही रहे हो, हाँ, और कार के अंदर हमारे अंदर बार भी है, तो हाँ, कार हाँ, ओ बार, और एक कारोबार का मतलब यही है कि इंसान क्या करता है अपनी जिंदगी में, लाइफ में कारोबार, तो वही वाला समझो, हाँ, कार ओ बार, दो मतलब है इसके, दो मतलब है इसके, हाँ, तो कारोबार क्या बात है। और सबसे मेन तुम देख लो, अगर तुम्हें गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो उसके लिए सबसे पहले तो तुम भाई वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को फैलाओ। दूसरी चीज, अगर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो भाई के इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, ये वाला पेज है beast.bolero, हाँ, इंस्टाग्राम पे पेज है, और भाई अभी इस पे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और उसमें फॉलो करो, और भी वीडियोस देखने के लिए, और चेंजेस धीरे धीरे इसमें मतलब होते रहते हैं, 10-15 अच्छा। दिन में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, हाँ हाँ। कुछ ना कुछ चेंजेस ऐड करते रहेंगे, तो वो आपको दिखाएंगे, और दो इसकी वीडियोस है, वो भी आप देखना अच्छे से, आपको दिखाएंगे। और बाकी डन, भाई मैं बोलता हूँ एक बार ना प्रेशर ऑन का सीन दिखा दो, प्रेशर ऑन रह गया अपने से। भाई प्रेशर ऑन के लिए सबसे पहले लगा हुआ हमने ये मशीन, हाँ, ये वही है जो हवा टायर में हवा भरने के लिए होती है, बट ये ना थोड़ी हैवी है। अच्छा। इसके अंदर ये डबल स्ट्रोक की है। अच्छा। ये इतनी हैवी मशीन लगाई हुई है जो इतना बड़ा प्रेशर टैंक भर सके। अच्छा। इसलिए यहाँ लगाई, मैं आपको प्रेशर टैंक भी दिखा देता हूँ अभी। हाँ। यहाँ पर ये, सॉरी, ये है प्रेशर टैंक, आप देखो। ओके। ये इतना बड़ा प्रेशर टैंक लगा हुआ है इसके अंदर, ये प्रेशर टैंक है, ये इस मशीन से भरता है, मशीन से पूरा टैंक भरता है। इसके बाद हमारे मतलब दिखाता हूँ कि
हॉर्न वगैरह कैसे बजते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ओके चलो भाई दिखाते हैं। और सबसे मेन देखो, जब तक भाई दिखा रहे हैं मैं तुम दिखा रहा हूँ नीचे। यार ये देख लो भाई ने प्रॉपर यहाँ पे सॉकेट वाला सीन भी कर रखा है, लाइट्स भी है ये यहाँ पे। भाई ये कंपोनेंट है ये वाले इसके? नहीं नहीं कंपोनेंट सही है, नहीं लगे हुए हैं ये कंपोनेंट, इसमें लगवाए अलग से हमने। अच्छा अच्छा अलग से सिस्टम लगाया। मैंने बताया ना कि फ्रंट में हम म्यूजिक सिस्टम हमें सुनना है, लाइट सुनना है, हाँ, तो उसके लिए कंपोनेंट्स वगैरह लगाए। बाकी नीचे एक चीज देखो, चार्जिंग का पॉइंट देखो। हाँ मैं वही यार सॉकेट वाला सीन प्रॉपर। जो बंदा जहाँ बैठा है ना वो अपना घर वाला चार्जर उसको लगाए और यहीं पर यूज करे, इजीली कोई मतलब इशू नहीं है। जो बैठा घर वाला चार्जर लगाओ, पूरी वोल्टेज मिलेगी, फास्ट चार्ज होगा। अरे वाह एक नंबर में। अरे वाह अरे वाह। आज मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ भाई। ये देखो ये क्या लगा हुआ है स्विचेस। हाँ ये भाई अपने यार किस चीज के स्विचेस है? ये स्विच है हमारे प्रेशर ऑन के। हाँ। ये हमने थोड़ा शौक के तौर पे लगाए हुए हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इनके अंदर साउंड और कितने हॉर्न है, 30 से 40 हॉर्न है, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो दिखाओ भाई, ये देखो ध्यान दो भाई, ये देखो सही लग रहा है भाई। और दिखाओ भाई। भाई अब हॉर्न चेंज कर देते हैं इससे। हाँ। एक बटन है इसके अंदर, हॉर्न चेंज होंगे सारे। अच्छा ये हमने चेंज कर दिया, अब ये देखो। ओ भाई फुल एंजॉयमेंट यार, आप करते रहो, मैं अब मैं बाहर को दिखाता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा सीन आएगा देखो। सॉरी द रेजिडेंट, सॉरी यार आप लोगों को। हाँ थोड़ा सा रेजिडेंस एरिया है इसमें। हाँ। हम ज्यादा प्रेशर ऑन करेंगे बहुत तेज भाई, लेकिन सबसे बेहतरीन तो ये वाला है ना, ये सबसे ये है सिंगल हॉर्न। हाँ। इसका प्रेशर ऑन का ये है सबसे तेज, ज्यादा सुना ही होगा देखो, जैसे ट्रेन आ जाती है ना उस तरीके से। देखो ओह भाई ये बहुत ज्यादा तेज था यार सच में इसकी। हाँ ये सच में ट्रेन वाला भाई। तो भाई आओ एक काम करते हैं, आप इधर बैठो, जरा ड्राइव इंप्रेशन लेते हो इस गाड़ी का, ठीक है? इधर आ जाओ आप। एक ये देखो ये लगा हुआ है इसके अंदर। हाँ। मीटर है, ये है प्रेशर ऑन का ही। अच्छा ये प्रेशर ऑन का ही है, इसके अंदर ही पता चला इतना कितना प्रेशर है। Okay. अभी इसमें 40 का प्रेशर है। अच्छा। अगर यूटिलाइज करते रहेंगे तो पता चलता है कितना प्रेशर है, और ये फिक्स है परमानेंट। और एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। हाँ। ये यहाँ पर लगा हुआ है हमारा, आपका दिखाता हूँ, ये टेम्परेचर का, टेम्परेचर के लिए। अब देखो बलेरो में तो आता नहीं है। हाँ हाँ। तो हमने इसका भी जुगाड़ कर लिया कि कितना टेम्परेचर है कार के अंदर, कितना नहीं है, परमानेंट लगा दिया उसका सिस्टम। और ये हमारा वॉकी टॉकी है। Okay. किसी दूसरी कार में भी कोई हमारे ट्रेवल कर रहा है साथ में, तो उसके लिए हम कनेक्ट होने के लिए। भाई मैं आपको पता क्या कह रहा हूँ, मेरा कहना ये था आपकी गाड़ी से पहले कि यार बोलेरो ना धीरे धीरे मुझे बहुत पसंद आए, तो मैं देख रहा हूँ अपनी पूरी फील्ड में ना सबसे ज्यादा बोलेरोज मैं ही दिखा रहा हूँ पूरा। अगर आप चेक करोगे ना बहुत सारी बोलेरो मैंने दिखानी चालू कर दी है, ये फॉर श्योर सबसे खतरनाक होने वाली है भाई। अब ना पता नहीं क्यों बोलेरो गाड़ी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बोलेरो चाहिए। बोलेरो ले लो तो बेस्ट है आपके लिए। बोलेरो गाड़ी मुझे और ऐसा लगता है बोलेरो बेस्ट गाड़ी है, बिल्ड सब कुछ बढ़िया, पर बोलेरो जो मॉडिफाई होती है ना भाई, मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, हो, हो, हो। कोई भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कहते हैं ना मॉडिफिकेशन का तो कोई जवाब ही नहीं है, कितने ही पैसे लगा सकते हो, मॉडिफिकेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा पैसे ज्यादा भाई, कितने पैसे लग गए आपके फिर इसमें? भाई इस गाड़ी में मैं किसने बताऊं, हमारा ऑलमोस्ट मतलब गाड़ी परचेस करने के बाद इसमें 10 लाख रुपए खर्चा आया है। 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए खर्चा आया है पूरी मॉडिफिकेशन के अंदर, टायर से लेकर सब चीज में जितने भी हमने काम किए इसके अंदर, फ्रिज वगैरह एंड ए टू जेड जितने भी मतलब वर्क है। और एक चीज और मैं आपको मतलब दिखाऊंगा कि इस चीज का गाड़ी का इंटीरियर का तो देख लिया आपने कैसे हम यूज कर सकते हैं। मैं समटाइम्स जाते हैं ना, हमारा वेदर बड़ा जबरदस्त रहता है और वेदर का मजा लेना है, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। बाहर से ऊपर हमने कैरियर बनाया हुआ है, आपने देख तो लिया होगा कैरियर बना हुआ है, बट यूटिलाइज क्या है। अच्छा। उसको भी दिखाऊंगा आपको उसमें कि मतलब हम ऊपर बेसिकली अभी दिखाता हूँ कितना बड़ा है, 6x4 का है पूरा, 6x4 का कम्प्लीटली मतलब स्पेस बना हुआ है। और ऊपर देख सकते हो कितना मतलब कितना लोहा, मतलब कहते हैं ना लोहा लाठ, ऐसी गाड़ी बनी हुई है। तो ऊपर 2 बंदे लेटे 3 बंदे लेटे कुछ भी नहीं होने वाला ऊपर, और ऊपर आराम से बैठ के मैट्रिक्स लगता है और ऊपर इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखो क्लिप्स लगे हुए हैं, ये देख रहे हो इसके अंदर क्लिप्स में पूरा एंगल से यू टर्न करके डलते हैं। और ये मैं आपको शॉट्स दे दूंगा और दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से हमने ट्रैवल किया था चितकुल में, तो उसमें हमने कैसे यूटिलाइज किया था इस चीज़। हाँ, तो ये चीज जो है ये मैं फोटो लगा दूंगा भाई तुम लोगों के लिए, ठीक है? और मुझे पता नहीं क्यों डंडे से याद आया, ये देख लो भाई, जैसे भाई ने लोहा बोला ना, तो भाई ये डंडा भी आप रखते हो यहाँ पे, ये और रखना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है इसका गलत यूज है, अगर समटाइम्स कुछ चीज कहते हैं ना पड़ी लाठी भाई होना चाहिए। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, मैं भी रखता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर भाई हॉकी स्टिक, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। और ये देख सकते हो अब इतनी बड़ी गाड़ी बनाई है। हाँ। सब चीज बनाई है, देख तो लिया को समझो कितना सब चीज कर रखा है। हाँ। अब इसके लिए जो ऑफिशियल किट आती है वो तो काम करेगी नहीं। हाँ। नट पेच किसके लिए? हाँ। तो ये है कि हमें उसके लिए भी एक ये पूरा ये देखो। अच्छा इसी का सामान है ये? सारा सामान है, कहीं भी कुछ भी हो जाए। हाँ। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इसमें सब चीज है हमारे पास। Okay. सारी चीज रखी हुई है हमने इसके अंदर ही। भाई वैसे बताओ इस गाड़ी कभी रिव्यू बनाया आज तक YouTube पे? YouTube पे रिव्यू बनाया है, प्रॉपर रिव्यू बना हुआ है, प्रॉपर रिव्यू मतलब बनाया है, मैंने ही बनाया है। अच्छा मेरा ही पेज है 20 Blero का। हाँ हाँ। तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, सब्सक्राइब करना यार। तो आपने ही बनाया मतलब? मैंने ही बनाया, नहीं नहीं मैंने ही बनाया है,
और इसमें दो वीडियो डाली हमने, एक एक्सटीरियर की एक इंटीरियर की बस। और एक चीज और है वो अभी थोड़ा डिले हो रहा है, मैं उसको दिखाऊंगा जल्दी थोड़ा फ्री होने के बाद, क्योंकि देखो वर्किंग भी हूँ मैं, उसके साथ साथ ये भी करना है तो सब चीज के। आओ भाई अब जरा गाड़ी चलाते हैं, आओ अब जरा ध्यान रखते हैं कभी पैर ना लग जाए इस पे। अरे बच गए, बस लो भाई। तो और बताओ आपको कैसा फील आ रहा है भाई? मैं है तो यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई मैं कोई ट्रक चला रहा हूँ। इसका वजन कितना आप इसमें हेडलाइट ऑन कर दो और इसमें हाई बीम्स मार के देखो आप, ये देखो फ्रंट से देखो, हाई बीम का इस्तेमाल करो आप, ये देखो तेरी मतलब ही नहीं कोई, ये साइड है हमें एक तो, और दूसरा माउंटेन्स में ट्रेवल कर रहे हैं और वहां में ये कोई दिक्कत हो जाए लाइटों के चक्कर में, तो लाइट इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो लाइटिंग की ही मेन बहुत बात होती ये है। बात तो है कि लाइट वाइट प्रॉपर दिखनी चाहिए वहाँ पर। पर भाई इसका मुझे लगता है इस गाड़ी का वजन काफी बढ़ गया होगा। नहीं नहीं वजन तो काफी वजन बढ़ गया काफी आपके बाद बिल्कुल ठीक है, बट इसमें से ना बहुत सी चीजें हमने देखा होगा आपकी फुटरेस्ट वगैरह सब, फ्रंट के मड गार्ड वगैरह सब हमने सब हटा दिए हैं। कुछ ये हम बताना भूल गए यार, आपने अपनी गाड़ी में ना बम्पर है ना आगे का बंपर ना पीछे का बंपर है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में, कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने सारी चीज खुद मॉडिफाइड की है, ऐसा बनाया मतलब भाई हमारी गाड़ी से कोई टकरा गया तो अब तो यही है कि भैया उनको तो ये देखना है कि उनकी गाड़ी में क्या हुआ, हमारी में तो पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, आपकी हमारी में तो होगा यार, हमारी में तो कुछ होगा नहीं, आपने लोहे भी तो इतने लगवा रखे हैं भाई, लगा रखा है उसके लिए देखो मॉडिफाइड भी है, ऊपर से हमने लोहा देकर रीजन भी है कि ऑफ रोडर गाड़ी लगनी भी चाहिए और हमारे मतलब दो पर्पस है, ऑफ रोडर के साथ साथ लग्जरी भी है कार। एक बार भाई सामने दिखाओ, जैसे सामने देखो अपने बैनर में और देखो कितनी चमक रही है, मतलब लाइट दे दी। हाँ भाई बंदे ही बोल रहे होंगे ये चकाचौंध सी क्या आ गई है, इनको पता नहीं है ये है बीस्ट बोलेरो, नाम भी सही है, एक फ्लाइंग बीस्ट और ये बीस्ट बोलेरो। भाई ये गाड़ी वैसे सेल नहीं कर रहे आप क्या? नहीं नहीं कभी प्लान नहीं होगा सेल करने का? कभी प्लान भी नहीं हो सकता सेल करने का, फादर ने बनाई है और उनका मतलब खुद एक मॉडिफाइड करने का खुद का रीजन था, अनमोल है भाई। हाँ कि कुछ अलग करता हूँ और कुछ बनाऊंगा और खुद बनाऊंगा। लोगों ने बहुत टैलेंट है आपके पापा पे यार, मैं बोलता हूँ आपके, आप बोलो अपने पापा को कि पापा ऐसे करिश्मा करते हैं। और सुनो सबसे मेन जो वीडियो देख रहे हैं भाई, थोड़े दो प्यारे शब्द लिख देना पापा के लिए यार इनके, कि जिस तरीके से उन्होंने दिमाग लगाया है ना, ऑर्डिनरी दिमाग नहीं, ऑर्डिनरी दिमाग वाला खेल नहीं, मेरे तो आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा ही हो गया आपके पापा का यार, इतना सब कुछ दिमाग लगाया उन्होंने। अच्छा यहाँ से लो अंदर? हाँ नहीं स्ट्रेट स्ट्रेट आप बता देना कहाँ से लेना है, ठीक है यहाँ से बिल्कुल सीधे लेना है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी ऑडियंस को रास्ता बताते रहते हैं साथ साथ। ईस्ट ऑफ क्लास में भाई हम, ठीक है भाई ईस्ट ऑफ क्लास का ही है और यहाँ बढ़िया शूट करो। ईस्ट ऑफ क्लास में पहली बार आए हो तो ये पॉश एरिया में आते हैं अभी? हाँ ईस्ट ऑफ क्लास, जीके, जीके वन, जीके टू सब नियर बाय, कैलाश कॉलोनी के पास हम घूम रहे हैं अभी, ये ईस्ट ऑफ क्लास है। ओके तो भाई अगर मैं चलाने का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना इस बारे में, अभी उतना मैं चला रहा हूँ लिटरली भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भाई कोई भारी वर्कर ना मॉन्स्टर ट्रक टाइप में बैठा हूँ, ठीक है। अगर इसमें और सिंपलीफाई करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई छोटी ट्रक में बैठा हूँ, कि भाई मैं इतना सारा सामान लेके चल रहा हूँ, अगर ये होता ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे मेरे हाथों में। यहाँ से लेफ्ट लेना भाई। ओके यहाँ से लेफ्ट लेते हैं और लेफ्ट लेते हैं, पूरी सड़क लाइट में हो गई, लाइट में हो गई पूरी सड़क, नहीं तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है और देख सकते हो इतनी रोशनी। अब भाई इतनी रोशनी तो जरूरी है, कम से कम आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं घूमने जा रहे हो, बेवजह तो हम रोड पे दिल्ली के शहरों पे चलाते हैं। तो अभी भी मन कर रहा है कि भाई निकलो यहाँ से यार बाहर, दिल्ली में क्यों चला रहा हूँ मैं ये चीजें, सीधा पहाड़ में चलो इसको लेके, ऐसी फील आ रही है इस गाड़ी में बैठ के। मुझे लगता नहीं भाई दिल्ली में चला के मजा आता होगा आपको, लगता है यार दिल्ली में कौन चलाए ऐसी गाड़ी, सीधा निकलो टूर पे, टूर पे ट्रैवल पर्पस से ही ली हुई है, ट्रैवल के लिए करना है। और मेरे फादर को भी काफी ट्रैवल करना पसंद है, बट ये है कि उनका भी अभी ऑफिस टाइम ये एंड ऑल, तो उसमें देखते हैं अब रिसेंटली वो जाने वाले कहीं घूमने। ओके तो आप साथ में जाओगे उनके या फिर अकेले जाएंगे? अभी हम प्लान कर रहे हैं साथ में सब जाने के, रुद्रप्रयाग जाएंगे। अच्छा रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में? ओके तो केदारनाथ जाने का प्लान होगा फिर? नहीं नहीं वहीं पर जाएंगे सिर्फ अभी हम, बाकी देखते हैं क्या प्लान बनेगा, क्योंकि समटाइम्स कुछ ना सडनली प्लान्स बेटर रहते हैं, प्री प्लान से ना बेटर होते हैं सडनली प्लान्स, ये बात भी ठीक है। तो वो हम मतलब कंप्लीट हो भी जाते हैं, प्री प्लान तो फिर वही है कि भाई उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है समटाइम नहीं जा पाते या कुछ टाइमिंग इशू होता है। भाई एवरेज कितना दे रही है गाड़ी? गाड़ी एवरेज हमें देती है 10 का। अरे भाई ये तो बहुत सही एवरेज दे रही है फिर यार, क्या एवरेज दे रही है भाई? आपसे मुझे फील हो रहा है ना कि ये लोड ले रही है, क्योंकि लोड मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ काफी लोड है, लोड पर एवरेज तो बहुत सही दे रही है, एवरेज 10 का दे रही है। वैसी जो कंपनी नॉर्मल का टायर्स में आती है वैसे वो 15-16 का एवरेज देती है, मेरी एक्सयूवी 300 जो है वो 12 का एवरेज दे रही है यार। अच्छा जी तो ये नहीं नहीं ये गाड़ी हमारी 10 का एवरेज देती है, क्योंकि इसमें ऑफ रोडिंग टायर लगे हैं सब चीज लगी है, तो इस वजह से बस। भाई लिटरली यार मुझे ऐसा लग रहा आज मैं धन्य हो गया अपनी इस कार रिव्यूइंग फील्ड में जो मैं आया हूँ ना, इस फील्ड की वजह से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आज मैं ऐसी सी गाड़ियां देख पा रहा हूँ, कुडोज बिग अप्स टू मेरे सागर भाई। सागर भाई मुझे मजा आ गया, देखो मैं मुझे नहीं पता भाई वीडियो हिट जाए ना जाए ये सब तुम लोगों के हाथ में, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी मतलब एक होता ना गाड़ी पसंद आए तो प्लीज यार हर बंदा 10-10 लोगों को शेयर करो, हर किसी को दिखाओ ये वीडियो, शेयर मार के वायरल करो ठीक है। सागर भाई
मजा नहीं आता ऐसी सामान लेके घर पे, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि यूनिक है, यूनिक बनाई है हमने चीज। हाँ ऐसा लगना चाहिए, देखो हर चीज कहते हैं ना कि यूनिक होनी चाहिए, तो हमने कुछ ऐसा करा है कि जो डिफरेंट हमारे पास है। हाँ। मुझे तो लगता नहीं है कि दिल्ली शहर के अंदर एनसीआर में किसी के पास ऐसी गाड़ी और इतनी मॉडिफिकेशन किसी ने की होगी। भाई कितने हम्बल इंसान है मर्सिडीज वाले भाई यार, ये पूरे इंडिया वाला मैटर है, आप दिल्ली एनसीआर की बातें कर रहे हो भाई। मैं तो अभी है कि हमारा तो मतलब एनसीआर की सोचेंगे, इंडिया में लोगों ने क्या क्या किया भाई, बस मैं दिखाऊंगा अभी तो ये किया है, आने वाले टाइम में हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट कहते हैं ना दिमाग का संतुलन हाँ। ऐसा बना हुआ है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। किसी चीज के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं हर चीज। तो चलो इसी नोट पर अपन वीडियो को ये पे एंड करते हैं भाई। और मुझे पता है सिस्टम का थोड़ा सा रहा होगा, पर भाई सिस्टम क्या इसमें सिस्टम सही है ना, मतलब ज्यादा लाउड तो नहीं है ना सिस्टम? नहीं लाउड ऐसा नहीं है, देखो आजकल की जनरेशन हाँ, जो यंग लड़के होते हैं हाँ। उनको चाहिए बेस ट्यूब बूफर, ऐसा नहीं चाहिए, मगर ऐसा साउंड है ना 3D साउंड की तरह की जब सफर कर रहे हैं ना तो उसका एंजॉय ना चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, वो सिस्टम लगाया हुआ है। क्या बोलते सुना दे फिर, मैं सुना देते हैं अभी के अभी सुना देते हैं। चलो यार सुना देते हैं, तुम लोगों के लिए 2 मिनट का टाइम दो बस। आओ भाई अब जरा मैं तुम्हें सिस्टम की बात सुनाता हूँ, ठीक है? और अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, अभी सिर्फ ये वाला चलेगा है ना, पीछे जो बार जो बोर्ड का बार लगा हुआ ना साउंड बार, सिर्फ यही चलेगा अभी। और इस बार का देखो तुम लोगों को अंदाजा तो होगा घर में कैसे साउंड करता है, पर गाड़ी के अंदर कैसा करता है और गाड़ी के अंदर कैसे कैसे भाई ने मैंने से लगाया, तो एक आउटपुट सुनना बनता है ना यार। तो आउटपुट सुनाने के लिए बस लगाते हैं और चेक करो, ठीक है? अभी आएगा ड्रॉप इसका, ठीक है? ध्यान देना। ओके मतलब प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी। देखो सफर के अंदर ना हमें बेस नहीं चाहिए, सफर के अंदर हमें बेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए होती है क्वालिटी। जब सफर में होता है ना कि बेस करता है भाई, सर में दर्द करता था एक टाइम के बाद 10-15-20 मिनट बाद, क्वालिटी टाइम क्वालिटी स्पीकर होता है ना, साउंड सिस्टम होता है, तो उसमें क्या ना सफर में हमें कभी परेशान नहीं करता है, इस वजह से हमने ये लगाया है भाई। लिटरली पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार मतलब मुझे मतलब एक ना स्पीकर का मामला सिस्टम में अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी में क्या होता है यहाँ 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 सबसे वाला आती है, वो डिफरेंट है, मतलब हाँ। उनका क्रेज है कि हमें सिर्फ साउंड सुनना है हाँ। हमें साउंड सुनना है, बट हमारे अंदर ये नहीं है कि हमें साउंड सुनना है, हमें जब सफर करना है ना हाँ। तो ऐसा साउंड होना चाहिए जो कभी पता ही ना चले कि एक साउंड भी चल रहा है हाँ। उसे कहते हैं साउंड का असली चलना, और सफर में क्योंकि सफर होता है लंबा हाँ। हमें यहाँ से 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं जाना है, हमें जाना 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर, तो उसके लिए साउंड होना चाहिए क्वालिटी के साथ, इस वजह से हमने ये सिस्टम लगाया इसके अंदर हाँ, काफी अलग भाई। चलो यार इसी नोट पर वीडियो को भी एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मार देना, चैनल पे नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर देना, 2-3 बार बोल दिया मैंने तो भाई ये जो भी काम है तुम्हारे कर देना, हमने अपना काम कर दिया, भाई ने अपना काम कर दिया मॉडिफाई करके, मैंने वीडियो में काम कर दिया, अब तुम लोगों को वीडियो देख के लाइक सब्सक्राइब किया तो तुम्हारा काम है वो करना है, ठीक है? तो प्यार दिखाओ वीडियो को, फैलाओ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, बाकी चलो खत्म करते हैं वीडियो को। और हाँ सबसे मेन इंस्टाग्राम पे भाई के बीस्ट ब्लेयर को फॉलो करना है, फॉलो करना है, और हमारा बीस्ट ब्लेयर को इंस्टाग्राम का पेज है और एक यूट्यूब का चैनल है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब करना है, ठीक है? उसको भी सब्सक्राइब करना है, फॉलो भी करना है और भाई को भी फॉलो। और हाँ सबसे मेन अगर तुम लोगों को गाड़ी है अतरंगी सी एकदम, ठीक है? दिल्ली दिल्ली एंसर कहीं से भी, तो भाई को भाई के इंस्टाग्राम जा दो, मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मास्टर ऑर्डर आईडी का, जाओ मेरी आईडी है वो, जाके मुझे फोटो भेजो अपनी गाड़ी की, बढ़िया फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे साथ बनाते हैं, ठीक है? तुम्हारे गाड़ी के साथ, तुम तो बस एक साइड लाइन हो, तुम्हारी गाड़ी मैंने इस चैनल पे है ना। चलो आओ एंड करते हैं वीडियो को, तो यार मैं भी कमेंट से अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट।